दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच नरेंद्र गिरी ने 11 पन्ने का जो सुसाइड नोट लिखा था, उसमें इस पूरे घटनाक्रम से पीछे की कई चीजें सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आनंद गिरी समेत आदाब प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के चरित्र के ऊपर है, जिन पर नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया है। दरअसल आनंद गिरी बचपन से ही महंत नरेंद्र गिरी के संपर्क में थे। अशोक से आनंद गिरी बनने का सफर काफी लंबा रहा। घर से हरिद्वार जाने के बाद वे सीधे नरेंद्र गिरी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी शरण में इस बच्चे को ले लिया। बचपन से लेकर दीक्षा दिलाने तक महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें अपने साथ रखा। हालांकि जब घर वालों को चिंता सताने लगी तो महंत नरेंद्र गिरी थे जो आनंद गिरी को उनके माँ बाप और परिवार से मिलाने घर लेकर पहुँचे थे और सभी के सामने दीक्षा दिलाकर अपना शिष्य बनाया था। और आज वही आनंद गिरी सवालों के घेरे में है, जिसके डर से नरेंद्र गिरी ने जान दी। दरअसल आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा के सरेरी गांव के रहने वाले हैं। मामला जब सामने आया तो हम लोग उनके गांव पहुंचे, गांव वालों से, उनके परिवार वालों से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर आनंद गिरी की बचपन से कैसी आदत थी। हालांकि गांव वाले और परिवार वाले ये नहीं मानते कि आनंद गिरी इस तरह का व्यक्ति है, वो उसको बहुत सीधा और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हैं। आनंद गिरी के पिता रामेश्वर चोटिया ने बताया कि 25 साल पहले आनंद गिरी घर से बिना बताए ही निकल गए थे। हालांकि उस समय उनकी उम्र केवल 12 साल थी और वो 7वीं में पढ़ते थे। हमने 13 साल तक उनको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। परिवार चिंता में पड़ गया। इसके बाद गाँव के एक बाबा के पास गए, उन्होंने बस यही बताया कि लड़का हरिद्वार में है। इसके बाद हमने उनको हरिद्वार में ढूंढने की कोशिश की। पता चला कि अशोक हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी के यहाँ है। घर वालों ने महंत नरेंद्र गिरी से बात की तो 2012 में बाबा अशोक को लेकर गांव आए। यही सबके सामने उन्होंने आनंद गिरी के नाम से अशोक को दीक्षा दिलाई। पिता ने बताया कि इस दौरान वे यहाँ सिर्फ 1 घंटा रुके थे, कभी फिर परिवार से संपर्क नहीं हुआ। जब उनसे पूछा कि आनंद गिरी पर आरोप है कि उन्होंने मठ के रूपों को इधर उधर किया है, साथ ही परिवार को भी भेजा है, तो पिता का कहना था कि आप हमारा घर देख लीजिए, हमारी हालत देख लीजिए। 25 साल में हमने सिर्फ आनंद गिरी को 2 बार देखा है, एक बार जब वो दीक्षा लेने आए, एक बार जब वो माँ के देहांत पर आए। गौरतलब है कि अभी 5 महीने पहले ही उनकी माँ का देहांत हुआ है। इसके बाद परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। आनंद गिरी घर में सबसे छोटे हैं। पिता गांव में ही खेती करते हैं। एक भाई सब्जी का ठेला लगाता है। 2 भाई सूरत में कबाड़ का कारोबार करते हैं। 3 भाइयों का परिवार गांव के ही पैतृक घर में रहता है। सबसे बड़े भाई भंवर चोटिया का संत बनने के बाद से आनंद से कोई संपर्क नहीं है। आज भी भंवर चोटिया गांव के घर में ही रहते हैं। इस घर में आनंद गिरी का भी हिस्सा है। उनके पिता का कहना है कि अगर आनंद गिरी परिवार को पैसा देता तो वो भी अमीर हो जाते। वही गांव वालों का कहना है कि आनंद गिरी यहाँ पूजनीय है और यहाँ के लोग उन पर लगे आरोप को कतई मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि बचपन में आनंद गिरी स्वभाव में काफी सरल और शांत थे, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।